सो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक नई सी वीडियो में। तो कल मैं पहुंच गया था सोनप्रयाग, पर योगी जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो इस वजह से जाने नहीं दिया गया। तो मैं वहीं पार्किंग में सो गया था, और फिर इधर पैदल यात्री जो मिले थे मुझे, फ्रेंड लोग, तो वो लोग होटल में रुके थे, तो उन्हीं के यहाँ आ गया मैं। अभी सुबह नहावा लिया है, फ्रेश वगैरह हो गए, और अब अच्छा लग रहा है नहा करके। और ठंड ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो आज धूप निकला है, ये वैसे बारिश नहीं है, तो थोड़ी देर में भी यहाँ से निकलेंगे हम लोग ऊपर के लिए, और साइकिल भी ले जाएंगे ऊपर। ऊपर ले जाने का मेरा पहले से वैसे भी था, तो ठीक है अभी चलते हैं। और बाकी लगेज वगैरह थोड़ा सा आगे पीछे करके साइकिल में बांध देंगे, बाकी बैग अब ले तो जाना है कैसे भी करके। तो ठीक है, बाकी मिलाता हूँ मैं भाई लोगों से। तो ये रहे अपने, क्या नाम? अमित। अमित भाई, हाँ। अरे ये प्रत्यक्ष, हाँ, इनका नाम कुछ अलग ही है। और देखिए रफ्तार वाली हेयर स्टाइल है इनकी। तो ठीक है, अभी ऊपर साथ में सब लोग चलेंगे। बाकी इन लोगों ने ठंड वाले कपड़े नहीं रख रखे हैं, आपने रखे? बड़ी प्रॉब्लम है, जैकेट एक आ गई है। हाँ, जैकेट है भैया ने। अच्छा, आपका अभी हो नहीं पाया कुछ? इनका हो जाएगा, महादेव सब कर लेंगे, सब हो जाएगा। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, दो भाई और आ रहे हैं। हाँ, दो भाई और आ रहे हैं, उनका भाई और शिवम, तो उनका वेट कर रहे हैं। बाकी थोड़ा वेट करेंगे फिर निकल चलेंगे हम लोग आगे, वो लोग भी आ जाएंगे, रास्ते में मिल जाएंगे। तो ठीक है, अभी चलते हैं, थोड़ा सा मजे वजे करके, कपड़े वपड़े सूख जाएं, जूते भी भीग चुके हैं सबके। बड़े बड़ा बुरा हाल है, बारिश हो गया पूरे दिन का। कल बारिश, कल ठंडी बहुत ज़्यादा थी, पूरा दिन बारिश में चले गए पूरा दिन। तो ठीक है जी, अभी बाकी आपको मैं नज़ारा दिखाता हूँ, यहाँ से बहुत ही प्यारा सा हो रखा है, बड़ा ही ब्यूटीफुल सन व्यू है। पीछे देखिए ग्लेशियर दिख रहा है, अभी तो धूप है बहुत ही अच्छी, भगवान करे आज पूरा दिन धूप रहे, बाकी तो जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स अभी मैं निकल चुका हूँ वहाँ होटल से भाई लोगों के साथ, और पीछे स्लीपिंग बैग बांध दिया है, और आगे साइड टेंट, और ये बैग आ गया अपने पीठ पे, क्योंकि ऊपर पूरा पीछे बांध करके चलाना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, टायर आगे वाला उठता और ताकत भी ज़्यादा लगती, इसलिए ये लगेज, ये बैग जो है रक्सैक, मैं पीठ पे रखूँगा, और ये दोनों चीज़ें आगे पीछे, तो धीमा धीमा करके पहुँच चलेंगे। और बाकी अभी चलते हैं जल्दी से, और अभी मोदी जी आए थे, वो जा चुके हैं बद्रीनाथ, तो अब हम लोग भी चलते हैं ऊपर की तरफ, मज़े करते हुए चलते हैं जी। धूप बहुत अच्छी हो रखी है इस टाइम, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही है, ठंडी, सॉरी। तो सोनप्रयाग से ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है गौरीकुंड के लिए, फिर गौरीकुंड से 22 किलोमीटर की है, और अपनी साइकिल भी चल रही है साथ साथ, और अपने भैया भी चल रहे हैं साथ साथ। अभी तो नॉर्मल है, थोड़ा सा इतनी चढ़ाई नहीं है, पर ऊपर तो वार्म अप हो रहा है। पर ऊपर तो बिल्कुल सीधी चढ़ाई है, और उधर घोड़े भी होंगे, भीड़ भी होगी, तो उधर ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा रस होगा वहाँ पर, पर कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ करके चले चलेंगे आज। तो जी पहुँच चुके हैं अभी गौरीकुंड, और कुछ लोग गए हैं कुंड में नहाने के लिए, मैं नहा के आया था नीचे से, तो मैं भी नहीं गया हूँ, तो अपन ऊपर ही नहाएंगे चल करके। बाकी बहुत ही प्यारा सा देखिए पानी आ रहा है ऊपर से ग्लेशियर का, नदी का, और मौसम अभी तो साफ़ है, धूप हो रखी है, पर देखते हैं अभी ऊपर भी मौसम साफ़ ही है, तो साफ ही रहे तो सही है, और कितना टाइम लगेगा अभी नहीं पता, अभी पूरा 22 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, तो पानी की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है, तो थोड़ी देर में अभी निकलते हैं, वो लोग भी आ जाएँ तो साथ साथ निकल जाएंगे, थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अकेले में थोड़ी सी थकान ज़्यादा होने लगती है, इसलिए दो चार लोग साथ होंगे तो आराम आराम से पहुंच जाएंगे। तो ठीक है जी, अभी वेट करते हैं उनका, फिर चलते हैं, साइकिल अपनी पीछे साइड खड़ी हुई है, और बस अभी चलते हैं ऊपर के लिए। तो जी ये ऊपर की तरफ ये जा रही है टोली, और ये जाएगी 27 तारीख को वापस नीचे की तरफ। अभी हम लोग भी मेन गेट पर आ गए, और भाई बचा हुआ है काफ़ी, थकान हो गई है, साइकिल भी अपनी चल रही है साथ साथ, और एक भाई भी चल रहे हैं साथ साथ, तो हम दोनों ही चल रहे हैं, बाकी पीछे रह गए, चलते हैं कोई नहीं, पहुँच जाएंगे। तो अभी थोड़ा सा आया हूँ ऊपर, 3-4 किलोमीटर, बहुत थकान हो गई है, और पैदल यात्री सब पीछे छूट गए, और भाई लोग कुछ मिले और हैं, तो उन्हीं लोग के साथ मज़े मज़े करते हुए चला जा रहा हूँ, हिम्मत मिल रही है साथ में जाने की, बाकी चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कोई नहीं चलेंगे, और धूप हल्की हल्की सी, और बाकी ठंड भी हो रही है, और अभी भाई लोग भी मिले हुए हैं। हेलो भाई, कहाँ से आप लोग?
नोएडा। तो भाई लोग नोएडा से हैं पर अभी करेंटली देहरादून में। एक दो तीन और वो भाई कहाँ गए? एक उस साइड है वेस्ट बंगाल वाले। ओके तो पहुँच जाएंगे शाम तक। खराब है इसको लेकर क्या है? तबीयत खराब है, परसों इसको बुखार था, कल रात में बुखार था, दवा दिए फिर भी लेकर क्या? कोई नहीं, ऊपर से हो जाएगा, सब सही हो जाएगा ऊपर। इतना चल करके थक गए, बाकी ऊपर पहुँच गए, अभी साइकिल खड़ी है। और ये अपने दमन वाले भाई पैदल यात्री और बाकी आगे वो निकल गए। हर हर महादेव। चप्पल के और इन अंकल जी के, अंकल आपके घुटनों में हो गए ना प्रॉब्लम उतरने में, है ना? उतरते समय घुटने में जोर आता है, वो घुटना दर्द कर रहा है अभी। अच्छा जी, कोई नहीं, सब सही हो जाएगा नीचे जाने में। बाकी अपने भाई लोग पीछे देखे हैं, तीनों लोग जो जिनके साथ मैं आया हूँ, अभी वो लोग चॉकलेट वगैरह खा रहे हैं। और ये भाई, भाई आप भी गुजरात से हैं? गुजरात से। कहाँ से? गुजरात बड़ौदा। अच्छा अच्छा बड़ौदा, तो अच्छा लगा भाई लोगों से मिल करके। ठीक है जी, अभी थोड़ा रेस्ट करके फिर से चलते हैं आगे के लिए मज़े करते हुए। और घोड़े लोग मज़े से जा रहे हैं। अब यात्री इस टाइम तो कम है क्योंकि अब यात्रा ख़त्म हो रही है, तो ज़्यादा लोग नहीं आ रहे, भीड़ इतनी नहीं हो रही है, पर पहले कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। भीड़ नहीं, इस टाइम तो आराम है। हमारा भी डायरेक्ट हो गया, दर्शन अच्छे हो गए आपके? पैसा वैसा तो नहीं लग रहा ऊपर? नहीं नहीं नहीं, एकदम फ्री दे। अच्छा जी, ज्योतिर्लिंग का ज़्यादा नहीं है? अच्छा जी अच्छा, ज्योतिर्लिंग गया नहीं तो ये ठंड होने लग गई है ऊपर। और ग्लव्स वगैरह कैप वगैरह सब पहन लिया है ठंडी के लिए, क्योंकि तबीयत ख़राब हो सकती है। तो कोई बात, मज़े से पहन करके चलेंगे। और अभी आधा रास्ता भी नहीं हुआ है, काफ़ी ज़्यादा रास्ता बचा है। तो बाकी अपने भैया लोग साथ में ही हैं, अभी हेल्प कर रहे हैं मज़े से पहुँचने में। और बाकी अभी थोड़ा सा यहाँ पर ठंडा मौसम हो चुका है, फॉग वगैरह थोड़ा थोड़ा सा आने लगा है। और थोड़ा सा रेस्ट ले करके चल रहे हैं क्योंकि पहुँच जाएंगे आराम से रात तक की, क्योंकि साथ में है तो टेंशन नहीं होती। तीन चार लोग होते हैं तो आराम से रात भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अकेले में थोड़ा सा रहता है। बाकी एक वाटरफॉल छोटा सा आया हुआ है, वो देखिए ऊपर से ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल। तो ये ठीक है, अभी चलते हैं वापस से, बाकी घोड़े से आ रहे हैं भाई लोग। ओके जी, तो जी पहुँच तो गया हूँ मैं केदारनाथ, और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई। और साइकिल भी अपनी ले आया हूँ, पीछे वाला मडगार्ड जो होता है वो गिर गया पता नहीं कहाँ पे। बाकी बैग वैग सब रेडी है, और जो बाकी जो साथी भाई लोग आ रहे थे वो पीछे ही टेंट में रुक गए हैं। मैं मंदिर के पीछे टेंट लगाऊंगा, जाके देखता हूँ। और स्नो बहुत ज़्यादा गिर रही है यहाँ पे, तो बस टेंट के अंदर ना आए। बाकी सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, ये बहुत महंगा था यार रास्ते में। मॉर्निंग में पराठा खाया था एक, उसी से काम चलाया। और अभी जाएंगे फिर मैगी बनाएंगे भंडारा, क्योंकि पीछे लगता है पर अब तो बंद हो गया होगा, तो मॉर्निंग में मिलेगा, तो मैगी वैगी खा करके और काम चलाएंगे। बाकी सब जूते वूते की हालत बेकार सी हो गई है। तो ठीक है जी, बस सामने थोड़ा सा बस सीढ़ियाँ चढ़ के मंदिर है, और वीडियो में शूट नहीं कर पाया क्योंकि बारिश हो रही थी और साइकिल भी पकड़े हुआ था, और तो और कुछ इतना अच्छा इंटरेस्टिंग कुछ हुआ भी नहीं, तो इसलिए मैंने कुछ बनाया भी नहीं। बारिश हो रही थी ना और साइकिल भी थी, तो कैसे बनाता? पर कोई नहीं, अब कल से अच्छे अच्छे व्लॉग्स वीडियोज़ बनाएंगे। जब तक यहाँ पर हैं बस यहाँ रुके रहे आराम से, कोई प्रॉब्लम्स ना आए। और ठीक है जी, अभी चलते हैं टेंट वेंट की जगह ढूंढते हैं और टेंट लगाते हैं, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी है और ठंड भी लग रही है पैरों में थोड़ी थोड़ी, तो ये लोअर भी बदलना पड़ेगा, गंदा हो गया बहुत ज़्यादा, दूसरा पहन लेंगे तो बाद में सुबह धुल लेंगे। ठीक है जी, अभी चलते हैं, बाकी बातें टेंट में करेंगे। सो गाइज, अभी मैं आ गया हूँ अपने टेंट के अंदर, और आज बन रही है अपनी मैगी। ये देखिए थोड़ा सा भाप सी हो रखी है कमरे में इसलिए, और बाकी ठंड बहुत ज़्यादा है भाई बाहर की तरफ, टेंट वेंट सब सेट हो गया है, आज इसी में सोएंगे। और शायद -2 डिग्री टेम्परेचर है। तो जी ठीक है, अभी इस व्लॉग को, और व्लॉग भी थोड़ा लेट आएगा क्योंकि लेट मैं पहुँचा हूँ और एडिटिंग वगैरह में टाइम लग जाएगा। अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय, जय हिंद जय भारत।